बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम स्टूडेंट्स। तो आज से हमारी एक सीरीज़ स्टार्ट होने वाली है मैथ पे, ठीक है। मैथ के नाइन्थ क्लास के मैथ पे, जो हम उर्दू मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों के अंदर इसको कवर करेंगे। तो सबसे पहले हम इसका स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 1, और इसको उर्दू मीडियम के थ्रू भी देखेंगे और इंग्लिश मीडियम में भी, ठीक है। जिस तरह के आपको पता है कि नाइन्थ क्लास के पेपर आने वाले हैं, वैसे भी एक मंथ रह गया, तो कोशिश करेंगे एक महीने के अंदर इनका सारा सिलेबस कवर कर दें और हर चैप्टर के बाद इनके इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन भी आपके साथ डिस्कस किए जाएंगे। तो चलें टाइम ज़ाया किए बगैर इसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो ये देखें जी, हमारे चैप्टर का नाम क्या है, मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स, कालिब और कालबों का मक्ता, ये हमारा है चैप्टर का नाम, ठीक है। अब सबसे पहले हम आते हैं अपनी एक्सरसाइज नंबर 1.1 पे। इस पर वो क्या कह रहा है जी, फाइंड द ऑर्डर ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस, दर्ज ज़ैल कालबों का मर्तबा बताइए। अब मर्तबा हम किस तरह फाइंड करते हैं, मर्तबा फाइंड करने के लिए हम पहले उसकी देखते हैं कि रो कितनी है। रो हम इस तरह से देखते हैं, लेफ्ट टू राइट, ठीक है। ये रो है हमारी सारी। अब ये कितनी रो मैंने बना दी है, 3, और रो टू कॉलम जाते हैं। पहले रो चेक करनी है, रो कितनी है उसके अंदर, उसके बाद कॉलम कितने हैं, और कॉलम हम इस तरह देखते हैं टॉप टू बॉटम, ठीक है। ये हमारे पास कॉलम है, ये कॉलम कितने बन गए, 3। ये रो होगी, ये कॉलम हो गए। अब ये क्वेश्चन है मेरे पास कि ए इज इक्वल्स टू 2, 3, -5 और 6। वो कह रहे हैं कि इसका आपने ऑर्डर बताना है, मर्तबा, इसका मर्तबा कितना है। सबसे पहले मैंने आपको कहा कि हम रो देखेंगे, ठीक है। इसमें रो कितनी है, 1 और 2, इसमें 2 रो हैं, ये मैंने लिखा भी हुआ है इस पर, ये ठीक है, 2 रो होगी इसके अंदर। अब कॉलम कितने हैं, कॉलम हम टॉप टू बॉटम चेक करते हैं, 1 और 2, 2 रो और 2 कॉलम। तो इसका मर्तबा क्या बना, ऑर्डर क्या बना इसका, 2/2। तो पहले क्वेश्चन का आंसर हमारे पास क्या आ गया, 2/2। इसी तरह इसका जो बी पार्ट है वो एग्जैक्ट सेम ही चीज़ है, उसका भी मर्तबा यही बनेगा, वो आप खुद करेंगे। अब सी पे आते हैं, वो हमारे पास है 2, 4। तो अब इसकी रो हमने फर्स्टली हमने क्या करना है, रो चेक करनी है, रो टू कॉलम चलते हैं। पहले रो देखेंगे कितनी है, उसके बाद कॉलम। रो इसमें कितनी है, 1, कॉलम कितने हैं, 1 और 2। तो इसका जो ऑर्डर होगा वो क्या होगा, 1/2, ठीक है। 1/2 इसका ऑर्डर आ गया हमारे पास। अब इसका डी पार्ट आप खुद करेंगे, और ई पे हम आ गए हैं, ए डी बी ई सी एफ। अब आप बताएं इसका क्या होगा हमारे पास, इसमें रो कितनी आ गई हमारे पास, 1, 2 और 3, 3 रो, ये 3 रो आ गए हमारे पास इसके अंदर, ठीक है। मैं और लिख देता हूँ इसके साथ, और कॉलम इसमें कितने हैं, 1 और 2, 3 रो और 2 कॉलम, ठीक है। सी लिख देता हूँ इसके साथ, 2 कॉलम और 3। तो इसका मर्तबा क्या होगा, 3/2। सिंपल सा क्वेश्चन है, बाकी सारे इसी तरह इससे सिमिलर हैं। अगर ये सिंपल, फॉर एग्जांपल एक क्वेश्चन आपका इस तरह से भी है कि जिधर सिर्फ ये एक ही नंबर दिया गया है, ठीक है। अब इस नंबर का आप क्या, किस तरह फाइंड करेंगे, मर्तबा क्या होगा, 2, फॉर एग्जाम्पल आपके पास एक नंबर दिया गया सिर्फ 2, सी इज इक्वल्स टू 2, चलें इस तरह कर लें, सी इज इक्वल्स टू 2। तो ये एक ही रो है, ये देखें रो भी एक ही है और कॉलम भी एक ही है, तो 1/1 इसका हो जाएगा, ठीक है। इस तरह करके आप इसका लिख देंगे 1/1, तो ये क्वेश्चन आपका ये भी सॉल्व हो गया। अब इसके जितने भी पार्ट्स हैं वो आप खुद सॉल्व करेंगे। तो अब मूव करते हैं हम जी अपने क्वेश्चन नंबर 2 पे जी। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है, मालूम कीजिए कि मंदरजा ज़ैल में से कौन कौन से कालब आपस में मसावी हैं, ठीक है। अब हमने इसमें फाइंड ये करना है कि इनमें से कौन कौन से ये जो कॉलम दिए गए हैं हमें, जो मतलब कि एंटिटीज़ यहाँ पे दी गई हैं, 3, 3, 5, ये वाली सारी, ये जो कॉलम डिटर्मिनेंट्स दिए हुए हैं, इनमें से हमने चेक करना है कि कौन से ऑर्डर जो हैं जिनके सेम हमने वो अलग अलग लिखने हैं, ठीक है। जिस तरह देखें एक ही एक ऑर्डर क्या है हमारे पास, इसका ऑर्डर बताए ना क्या हो सकता है, अभी जिस तरह हम डिस्कस भी करके आए हैं, एक ही रो और एक ही कॉलम है, तो इसका ऑर्डर क्या हो सकता है, 1/1। पहले हम सब के ऑर्डर लिख लेते हैं, आपको डायरेक्टली पता चल जाएगा कि कौन से सेम है कौन से नहीं। बी का क्या ऑर्डर हमारे पास, 1 रो और 2 कॉलम, ठीक है, 1/2। सी का क्या हो सकता है, 5-2 है ना, तो 5-2 क्या होता है, 3, तो एग्जैक्ट सेम 1 वाला, तो इसको हम फिर कह सकते हैं 1/1, क्योंकि इधर एक ही नंबर आ जाएगा, ठीक है। अब डी पे क्या आएगा, 5 और 3 है ना, तो 1/2, 1 रो
और दो कॉलम, वन बाई टू इसका हो गया। ई का क्या होगा, एक रो दो रो, ये देखें ना, एक दो, एक कॉलम दो कॉलम, तो क्या होगा इसका, टू बाय टू। इसी तरह एफ का क्या होगा, एक दो, दो रो और एक कॉलम, तो इसका क्या होगा, टू बाय वन, टू बाय वन हो गया। जी का क्या आएगा, थ्री माइनस वन क्या होता है टू, थ्री प्लस थ्री क्या होता है हमारे पास सिक्स, ऊपर टू आ गया नीचे सिक्स आ गया, मीन्स के एक दो रो हो जाएंगे और एक कॉलम हो जाएगा, तो टू बाय वन। एच का क्या आ गया, एक रो, एक कॉलम दो कॉलम, तो मेरे पास टू बाय टू अगेन आ जाएगा, ठीक है, टू बाय टू। और आई का क्या होगा, थ्री, थ्री प्लस टू इधर क्या आ गया फाइव, एक रो हो जाएगा और इसके दो कॉलम हो जाएंगे, एक ये और एक ये, तो इसका हम कह सकते हैं वन बाय टू। और इसका क्या करेंगे, टू प्लस टू मेरे पास क्या हो गया फोर, टू माइनस टू इधर ज़ीरो आ गया, इधर सिक्स आ गया, इधर टू, मीन्स के दो रो आ जाएंगी आपकी और दो कॉलम। ये मैं आपके सारे क्वेश्चन सॉल्व करवा रहा हूँ कि इससे पूरा आपका ये क्वेश्चन टू सॉल्व हो जाएगा। तो इसका मेरे पास आ जाएगा जी टू बाय टू। अब आप इसमें चेक करें कि किन किन के ऑर्डर सेम है, जिनके सेम है वो इक्वल हो जाएंगे, तो बाकी जिनके जो भी सेम है वो सारे इक्वल हो जाएंगे। तो ये क्वेश्चन आपका वो डिमांड भी उनकी यही है, वन बाय वन ए में है, और वन बाय वन किस में है, सी में, और वन बाय वन किस किस में है जी, और किसी में भी नहीं। तो मैं इधर ये कह सकता हूँ कि ए इक्वल टू सी, एक तो ये इक्वल है, ठीक है, और दूसरा बी का ऑर्डर क्या है, वन बाय टू, वन बाय टू और किसका है, इधर मैं साथ लिख देता हूँ कि यहाँ पे बी इज इक्वल टू किसके है, डी के, और इज इक्वल टू वन बाई टू और किसका है जी, वन बाई टू आई का, तो ये तीनों इक्वल हैं आपस में, सही हो गया। और कौन कौन से हैं जी, टू बाई टू है कोई, टू बाई टू एक, टू बाई टू, टू बाई टू, टू बाई टू, ई और एफ और जे, ई एफ और जे, ठीक है, ई इज इक्वल टू एफ इज इक्वल टू जे, तो ये तीनों ये इक्वल हो गए, और ये अकेला रह गया, इसको आप नहीं लिखेंगे, ये अकेला किसी के इक्वल नहीं है, टू बाय वन, सॉरी टू बाय वन भी इक्वल है, एफ और जी ये दो आपस में इक्वल है। तो ये आपका पूरा क्वेश्चन सॉल्व हो गया, क्वेश्चन नंबर टू। तो नाउ विल मूव टू द क्वेश्चन नंबर थ्री जी। तो इस एक्सरसाइज का सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी यही है मेरे ख्याल में, मेरे ख्याल में नहीं, वैसे इंपॉर्टेंट ही ये है, ठीक है, लग भी यही रहा है आपको, आपको भी और मुझे भी। तो ये अभी इस क्वेश्चन में देखते हैं कि वो उनकी क्या डिमांड है। इस क्वेश्चन में वो कह रहे हैं कि फाइंड द वैल्यूज़ ऑफ ए बी सी एंड डी। अब इस क्वेश्चन के अंदर आपने ये चार वैल्यूज़ फाइंड करनी है, ठीक है, ए बी सी और डी, विच सेटिस्फाई द मैट्रिक इक्वेशन। तो ये वाली इक्वेशन दी गई है आपको, ए प्लस सी, ए प्लस टू बी, सी माइनस वन, फोर डी माइनस सिक्स इज इक्वल टू ज़ीरो माइनस सेवन, थ्री और टू डी। अब ये देखें, ये जो चीज़ है ना ए प्लस सी, इसको हम इक्वल करेंगे ज़ीरो के, ठीक है, और ये जो चीज़ है ना ए प्लस टू बी, इसको इक्वल करेंगे हम यहाँ पे सेवन के, और ये जो है ना सी माइनस वन, इसको हम कहते हैं कि ये इक्वल है थ्री के, और ये जो है ना फोर डी माइनस सिक्स, इसको हम कहते हैं इक्वल है टू डी के, ठीक है। और ये नीचे मैंने इसको बॉक्स में भी लिखा होगा, ए प्लस सी किसके इक्वल हमने कहा था ज़ीरो के, ए प्लस सी इज इक्वल टू ज़ीरो लिख लिया, ए प्लस टू बी इज इक्वल टू किसके कहा था सेकंड वाले के माइनस सेवन के, ये मैंने माइनस सेवन लिख लिया, सी माइनस वन यहाँ पे है इज इक्वल टू किसके कहा था थ्री के, तो थ्री लिख लिया, फोर डी माइनस सिक्स किसके इक्वल कहा था टू डी के, तो यहाँ पे मैंने टू डी लिख लिया, सही हो गया। अब हमने इनकी वैल्यूज़ निकालनी है। सबसे पहले देखें ये हमारे पास ए प्लस सी, ना तो हमारे पास ए की वैल्यू है ना ही सी की है, तो हम इसमें से अभी फाइंड वैल्यू नहीं कर सकते। सेकंड पे आ जाएं, ए प्लस टू बी, इनमें से भी ना ए की है ना बी की है, तो इसको भी अभी छोड़ दें। सी पे आ जाएं, सी माइनस वन इज इक्वल टू मतलब के थ्री,
तो इसमें कांस्टेंट वैल्यू हमारे पास एक ही है, वो क्या है, सी। तो हम सी की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, बाकी दोनों नंबर हैं। तो यहाँ पे मैंने क्या लिखा, सी इज इक्वल टू, अब देखें मुझे चाहिए क्या, सी चाहिए ना, तो माइनस वन इधर, तो इसको जब इज इक्वल टू के दूसरी साइड पर लेके जाएंगे तो उसका साइन चेंज हो जाएगा, सी इज इक्वल टू थ्री प्लस वन, ठीक है। तो ये थ्री प्लस वन आ गया मेरे पास, तो सी की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ पर, सी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा यहाँ पर, फोर, ठीक है। तो अब मुझे ये बताएं कि यहाँ पे सी किसके अंदर मैं वैल्यू पुट करूँ, तो किसी और की वैल्यू भी आ सकती है, ये फर्स्ट पे, इस पे ए प्लस सी में, ठीक है। सी की जगह पे क्या वैल्यू मैं डालूँगा, फोर, ए प्लस फोर लिखा इज इक्वल टू ज़ीरो किया। अब मुझे ए की वैल्यू चाहिए, तो यहाँ पे मैं कर दूँगा ए इज इक्वल टू माइनस फोर, क्योंकि यहाँ पे प्लस है तो उस साइड पे जाके साइन चेंज हो जाएगा। ए की भी वैल्यू आ गई, सी की भी आ गई, अब ए प्लस टू बी है ना, अब ए की जगह पे मैं ए की वैल्यू डाल दूंगा माइनस फोर, इधर मैंने माइनस फोर किया, प्लस टू बी इज इक्वल टू माइनस सेवन, वो वैसे ही लिख दिया जैसे पहले था। अब मुझे बी की वैल्यू चाहिए इसकी, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने लिखा टू बी इज इक्वल टू, बाकी सारी चीज़ें इज इक्वल टू के दूसरी साइड पे, माइनस वन इधर ऑलरेडी माइनस वन ही था और इधर माइनस फोर था, इज इक्वल टू के दूसरी साइड पे प्लस फोर हो गया, इधर टू बी रहा इज इक्वल टू माइनस सेवन, प्लस फोर क्या आता है मेरे पास, माइनस थ्री, ठीक है। उसके बाद मुझे बी की वैल्यू चाहिए, अब बी को आपने इधर दोनों साइडों पे डिवाइड करना है टू के साथ, ठीक है, इधर भी और इधर भी। अब इसको मैं ज़रा काटता हूँ, इधर इस साइड से ये दोनों कैंसिल हो गए, ये इसके साथ कैंसिल हो गया और ये दूसरी साइड पर वो नीचे आ गया, इस तरह हुआ ये क्वेश्चन सॉल्व, ठीक है। इसको ज़रा मैं क्लियर करूँ, हाँ, बी इज इक्वल टू माइनस थ्री ओवर टू, ए की वैल्यू सी की भी आ गई, बी की भी आ गई और ए की भी आ गई, अब ये डी वाला रह गया, फोर डी माइनस सिक्स इज इक्वल टू टू डी, मुझे डी की वैल्यू चाहिए ना, तो टू डी, ये जो डी वाला है ना इसको एक साइड पे कर लें, फोर डी माइनस टू डी, ये वाला डी, ये वाला डी, दोनों ये जब इधर आएगा दूसरी साइड पर, इधर फोर डी माइनस टू डी हो जाएगा, ये माइनस सिक्स इज इक्वल टू उधर जाकर प्लस सिक्स हो गया, फोर डी माइनस टू डी क्या आ जाएगा टू डी, और ये सिक्स वैसे ही, ठीक है। अब ये जो 2D है ना, इसको आपने इस तरह करना है, ये देखिए इधर मैं नीचे करता हूँ, ये है ना 2D इज इक्वल टू सिक्स है ना, मुझे D की वैल्यू चाहिए ना, इस 2 को मैं इधर भी डिवाइड करूँगा और इस 2 को मैं इधर भी डिवाइड करूँगा, ये वाला 2 इसके साथ कैंसिल हो जाएगा और ये वाला 2 इसके साथ, दो तीन बार क्या होता है, छः, टू थ्री ज़ा सिक्स, तो D की जो नई वैल्यू होगी वो क्या होगी, थ्री, ठीक है। तो ये मेरे पास थ्री भी आ गया। अब ये डी की वैल्यू है, ये आपकी सी की वैल्यू है, ये आपकी बी की वैल्यू है, ये आपकी ए की, तो ये वाला क्वेश्चन आपका सॉल्व हो चुका है, उम्मीद है कि आपको समझ आ चुकी है। तो इंशाल्लाह इसी तरह हम जो नेक्स्ट वीडियो होगी उसके अंदर हम इसका कवर करेंगे, चैप्टर वन का एक्सरसाइज नंबर 1.2। तो मिलते हैं फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में।